खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज दर्जनों की संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देते हुए मांग की है कि NH-232 से रेल कोच से सटी हुई जमीन लेखपाल और SDM डलमऊ के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए किसानों से बातचीत की गई, जहां SDM डलमऊ के द्वारा किसानों को मुआवजे के रूप में जमीन की कीमत कम दी जा रही है, जिसको लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी से मांग की कि उन्हें जमीन की सही कीमत दिलाई जाए। किशोर सिंह बघेल, पूर्व प्रधान तहसील दलमऊ, जनपद रायपुर। कहाँ आए हैं और क्या मामला है? हम लोग यहाँ DM साहब के चौखट पे आए थे। हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकाला जा रहा है, जिसमें हम लोगों को मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है। हमारी NH-232 राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में जमीन है, गाँव से सटी हुई, बाजार से सटी हुई, विकसित गाँव और राजस्व गाँव महार है। हमको मात्र 2,65,000 का विश्वास दिया जा रहा है। NH-232 के किनारे रायबली से लेके लालगंज तक 2,00,000 का विश्वास जमीन कहाँ मिलेगा, जबकि स्टाम्प हमसे लिया जा रहा है 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का। अगर उस जमीन को हम खरीदने जाएं तो 11,000 प्रति वर्ग मीटर का हम स्टाम्प शुल्क अदा करें, ये दोहरा मापदंड क्यों? इसके लिए हम DM साहब के चौखट पर आए हैं कि हमको न्याय मिले। ये तहसील प्रशासन हमारे साथ तानाशाही कर रहा है, किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाहते हैं कि आपकी सरकार किसानों की हित में काम कर रही है, हस्तक्षेप करे कृपया महोदय, और जिला प्रशासन की अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोका जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बाप दादों के पुरखों की जमीन है, कौड़ियों के दाम पर हम इसको नहीं जाने देंगे।